हेलो स्टूडेंट वेलकम टू श्री एकेडमी हेलो गाइस कैसे हो आप सभी गुड इवनिंग सरिता वेरी गुड इवनिंग और फटाफट से आ जाइए क्लास को शुरू कर सकें यू ऑल्सो वेलकम सरिता गुड इवनिंग रितु वेरी गुड इवनिंग चलो जी तो क्लास को शुरू कर लेते हैं तो हमारा जो आज का जो राइटर है पोइट है हमने रोमांटिक पीरियड शुरू किया हुआ है विलियम वर्डवर्थ को हम शुरू कर चुके हैं तो आज की क्लास में हमारा जो है जॉन जो किड्स है तो जॉन किड्स को शुरू कर लेते हैं चलो जी तो फर्स्ट क्वेश्चन है वैन वॉज जॉन किड्स बोर्न इस तरह से जो है बीच बीच में ऐसा नहीं है कि रेगुलर ये राइटर ही लेंगे हम बीच बीच में हम चेंज करते रहेंगे कभी ग्रामर की कभी जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कभी कुछ इससे क्या होता है कि थोड़ी आपकी प्रिपरेशन भी होती है और एक जो वैरायटी जिसको कहते हैं वो डलनेस बोरिंगनेस वो नहीं आती है गुड इवनिंग अश्वनी वेरी गुड इवनिंग तो चलिए क्लास को शुरू कर देते हैं अब वैन वॉज जॉन किड्स बोर्न तो जॉन किड्स का जो है जन्म कब हुआ था ये बताना आपको तो जॉन किट का जो है जन्म कब हुआ था तो बिल्कुल ठीक है आप लोगों का थर्टी फर्स्ट अक्टूबर सेवनटीन फाइव को हुआ था डी जो है इसका आंसर है बिल्कुल राइट है नेक्स्ट पे आ जाइए वेंडिड जोन किट्स डाई और जोन किड्स की जो डेथ है वो कब हुई थी अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि जॉन किड्स की डेथ पहले जो है उसके बर्थ से देखो ये दो क्वेश्चन तो सो है ना सबके लिए मस्ट होते हैं चाहे आप जो है कोई भी एग्ज़ाम दो इवन जो है आजकल तो पहले ही हम इतना इन्हीं प्रेफरेंस करते थे नेट वगैरह के अंदर लेकिन अब तो जब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जाने लगा तब से तो बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है इनकी तो ये कह रहे हैं मैंडिड जोन किड्स डाई तो जोन किड्स की जो है डेथ कब हुई थी तो वो जो है सी आंसर है ट्वेंटी थर्ड फेबुअरी को नेक्स्ट पे आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे की बात कर लेते हैं इन विच स्कूल डिड जॉन किड्स स्टडी कौन से स्कूल में जो है किड्स ने अपनी पढ़ाई की थी किंग्स ग्रामर स्कूल इटन हार्वो और जोन क्लार्क स्कूल तो कौन से स्कूल के अंदर जो है उन्होंने स्टडी की थी किसने जोन किड्स ने तो फटाफट से बताएंगे आज भी वही दिक्कत हो रही है क्या आपके वो? अच्छा अश्वनी का आ गया है थर्ड का डी है तो बिल्कुल ठीक है ये कि जो है उन्होंने जो है स्टडी कहाँ से की थी उनका जो स्कूल था वो क्या था जॉन क्लार्क स्कूल था और एक किस्म से इन्होंने ही जो इनके फादर थे ये जो है जो इनका जो बेटा था वो उनका दोस्त था क्लार्क जो है और इन्हीं के सहयोग से या इन्हीं के इंस्पिरेशन से इन्होंने लिखना शुरू किया था गुड इवनिंग आरव वेरी गुड इवनिंग यानी अगर जो है पहला कोई ये कहें कि इंस्पिरेशन देने वाला कौन था तो इनका ये फ्रेंड ही था चलिए आगे थोड़ी डिटेल और बात करेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन है तो अभी पूरा नहीं बताते इसके बारे में नेक्स्ट है विच इज़ द फर्स्ट एक्सटेंट पोइम ऑफ जॉन किड्स विच इज़ रिटन इन द दर एटीन फोटीन वैन वैन जॉन वॉज नाइनटीन ईयर्स ऑफ एज तो वो कौन सी पोइम है जब जो है जॉन किड्स ने फर्स्ट एक्सटेंटन पोइम थी जो और जो है एटीन फोटीन के अंदर लिखी गई थी वो जो है जब नाइनटीन ईयर के थे जॉन किड्स तो वो कौन सी पोइम है वो बताना आपको फटाफट से बताइए एनिमिटेशन ऑफ स्पेंसर ला बेल्डेम ग्रेशियन ग्रेसियन ओ टू स्काई लार्क तो वो कौन सी पॉइंट थी जो जो है चलो गाइस बताओ फटाफट से <coughs> देखो ये कह रहा है कि इन्होंने ना ये जो है इसका आंसर जो है इमिटेशन ऑफ स्पेंसर है इन्होंने क्या किया था जो जॉन जो जो क्लार्क हैं आप, आपकी ऊपर बात चल रही थी तो इन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले जो है इन्होंने फेरी क्वीन को पढ़ा था स्पेंसर ने सबसे पहले स्पेंसर की जो सॉरी ये जो जॉन किड्स हैं उनकी उन्होंने स्पेंसर की जो क्वीन है उसको पढ़ा था और उसके बाद उसको लिखा था तो ये इनकी पहली एक किस्म से जो है रिटर्न फॉर्म में थी जो इमिटेशन ऑफ स्पेंसर यानी एक किस्म से स्पेंसर को ही कॉपी किया था और इनका जो दोस्त था ये जोन क्लार्क स्कूल के अंदर जो इनका फ्रेंड था उन्हीं के उन्होंने ही ला के इसको फेरिक्विन दी थी और तब जो है ये इंस्पायर हुए थे इस तरफ से लिखने के लिए यानी पोइटी वगैरह में इनका इंटरेस्ट जो है इसके बाद से आया था तो जो पहली बुक इन्होंने पढ़ी थी वो फेरिक्विन पढ़ी थी और इसको पढ़ के इन्होंने एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर लिखा था चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए विच पीरियड ऑफ जॉन किट्स हैज़ कोल्ड द मोस्ट प्लेसिड टाइम किट्स लाइफ बाय काउडन क्लार्क ए क्लोज फ्रेंड ऑफ किट्स। तो वो कौन सा टाइम पीरियड था जब जो है वो उनके लिए मोस्ट प्लेसिड टाइम है जॉन किट्स की लाइफ का और काउडन क्लार्क ने ये मतलब वर्डिंग बोली है उसके लिए ए क्लोज फ्रेंड ऑफ किड्स यानी काउडन क्लार्क ने वो कौन सा टाइम पीरियड इनका बढ़िया बताया है या प्लेसिड टाइम है किड्स की लाइफ के अंदर तो बताइए नेक्स्ट जो है यानी फिफ्थ का आपको आंसर देना है तो वो कौन सा टाइम पीरियड है जब इनका जो है काउडन क्लार्क के अकॉर्डिंग बताना काउडन क्लार्क कौन था वो क्लोज फ्रेंड था किसका किड्स का था तो वो जो है कौन सा पीरियड जो है किड्स की लाइफ का जो प्लेसिड टाइम है किड्स की लाइफ के अंदर तो ये जो है ए रहेगा इसका आंसर किड्स लॉजिंग इन द एटिक अबो द सर्जरी एट सेवन चर्च स्ट्रीट तो इस टाइम पीरियड में जो जहाँ रहे हैं यानी ये जो है इनकी लाइफ का जो है प्लेसिड टाइम है प्लेसिड जो है टाइम है किड्स की लाइफ के अंदर नेक्स्ट है इन विच हॉस्पिटल जॉन किट्स रजिस्टर्ड एज ए मेडिकल स्टूडेंट आफ्टर फिनिशिंग हिज अप्रेंटिसशिप विद हमोन्ड तो ये जो है ये कह रहा है जो है इन विच हॉस्पिटल जॉन किड्स रजिस्टर्ड एज ए मेडिकल स्टूडेंट मतलब कि अपनी अप्रेंटिसशिप अप्रेंटिसशिप के बाद उन्होंने जो कौन से कॉलेज में जो है मेडिकल कॉलेज में जो है उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया ट्रिनिटी कॉलेज ट्रिनिटी हॉस्पिटल न्यू चैपमैन हॉस्पिटल क्वींस चैम्बर और गाइस हॉस्पिटल तो वो कौन सा जो है हॉस्पिटल है जिसमें इन्होंने अपने आप को जो है एज मेडिकल uh, स्टूडेंट रजिस्टर्ड करवाया तो गाइस वो जो है गाइस हॉस्पिटल था ये है नेक्स्ट की बात कर लेते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे आ जाइए व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ थॉमस हमोंड अंडर होम जॉन किड्स ज्वाइन द अप्रेंटिसशिप ये कह रहा है कि जो थॉमस uh, हमोंड है ये जो है इनका प्रोफेशन क्या था जिसके अंदर जो है जॉन किड्स ने अप्रेंटिसशिप जो है ज्वाइन की थी तो इनका काम पूछा है आपसे गुड इवनिंग मोनिका गुड इवनिंग श्रद्धा वेरी गुड इवनिंग आइस तो जो है टीचर थे लॉयर थे बैंकर थे नन ऑफ दिस तो इनमें से जो है कौन से थे जिनको जो है इन्होंने मतलब कि इनका प्रोफेशन क्या था थॉमस हामुंड का पूछा है कि इनका प्रोफेशन क्या था जिसके अंडर रह के जो है जॉन किट्स ने अप्रेंटिसशिप की थी गुड इवनिंग सुखविंदर वेरी गुड इवनिंग तो गाइस ये जो है टीचर है लॉयर है बैंकर देखो इसका अंदाजा ना खुद भी लगाया जा सकता है एलिमिनेटिंग वे से ले हुँ. ये जो है ये कह रहे हैं कि अप्रेंटिसशिप की थी अप्रेंटिसशिप किस चीज़ की की थी मेडिकल की की थी सर्जन की की थी तो एक जो है ना किसी किसके अंडर जो है उस चीज़ की प्रोफेशन जो है अप्रेंटिसशिप हो सकती है जो उस प्रोफेशन से जुड़ा हो यानी कि वो मेडिकल से जुड़े होने चाहिए तो थॉमस होमंड जो है मेडिकल के जो है फील्ड से होंगे तभी इसको अप्रेंटिसशिप करवा सकते हैं तो ये जो है टीचर नहीं हो सकते लॉयर नहीं हो सकते बैंकर नहीं हो सकते तो कौन हो सकते हैं फिर नन ऑफ दिस यानी ये खुद सर्जन थे तो वो सर्जन ही अप्रेंटिसशिप करवाएगा ना मेडिकल की अब जैसे टीचर्स जो है आप लोगों को कौन पढ़ा सकता कौन सा टीचर पढ़ा सकता है जो हम जैसे टीचर है यानी लिटरेचर का टीचर लिटरेचर के स्टूडेंट को पढ़ाएगा ऐसे मेडिकल के स्टूडेंट का अप्रेंटिसशिप कौन करवाएगा जो सर्जन होगा या मेडिकल का स्टूडेंट होगा यानी मेडिकल का जो है टीचर होगा वही लगा लीजिए यानी कि उसका प्रोफेशन जो है मेडिकल ही होना चाहिए तो वो टीचर नहीं था लॉयर नहीं था वो बैंकर नहीं था यानी कि वो सर्जन था चलो अब ले लेते हैं वेर वो जोन किट्स बोर्न जोन किट्स का जो है जन्म कहां हुआ था तो ये बताना आपको यॉर्कशायर में मुरगेट में लंडन में वो, वोरविक में तो कहां हुआ था ये बताना आपको जल्दी से बताओ वो जॉन किट्स बोर्न जॉन किट्स का जो है जन्म कहाँ हुआ था यॉर्कशायर मोरगेट लंदन और वॉरविक के अंदर कहाँ हुआ था तो एक किस्म से प्रॉपर जगह के बारे में पूछा गया इस यहाँ पे वैसे तो लंदन बनता है लेकिन यहाँ पे जो है प्रॉपर जगह आ गई है तो मोरगेट जो है ये जो है प्रॉपर जगह है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था जॉन किट्स रोड मैनी मैनी ऑफ वट काइंड ऑफ पोएम तो जोन किड्स ने नॉर्मली जो है ना किस टाइप की जो है पोइम लिखी है तो यहाँ पर जो है वट काइंड पोइम उनकी पोइम के नाम मतलब कि उनकी टाइप बतानी है किस तरह की उन्होंने पोइम लिखी है एलिजीज लिखी है एपिक्स लिखे हैं ओड्स लिखे हैं या सोनेट लिखे हैं तो जो है इन्होंने कैसे लिखे हैं मतलब इनकी जो है वट काइंड पोम पोइम की टाइप क्या है किस्म से ये है तो आपको जो है नाइन्थ का आंसर देना है तो बिल्कुल ठीक है सभी का ना इन्होंने ओट्स लिखे हैं बहुत सारे ओट्स लिखे हैं ओर टू नाइनटीन गेल ओ टू जो है रेशियन यूरेनियन ग्रेस जो भी था वो उसका वर्क यानी कि इनके जो लिखे हैं वर्क इन्होंने ओट्स ज़्यादा लिखे हैं एल एजी या एपिक या सोनेट नहीं लिखे हैं ठीक है, है जगह ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था और टू ग्रेशियन अन और जो है नाइनटीन गेल बहुत सारे हैं इनके इनकी फाइनल सोनेट इनका जो फाइनल सोनेट है ब्राइट स्टार

वेरी गुड तो ये जो है फैनी ब्राउनी फेनी ब्राउनी कौन थी इनकी बिलवड थी तो ये उसके लिए जो है इन्होंने जो है है ब्राइट स्टार बोला विच ऑफ बाय किड्स इंक्लूड्स द कैरेक्टर दिख इन कैरेक्टरिया का कैरेक्टर इनकी किस पोइम के, तो के अंदर आता द दफ सेंट एगन लेमिया हाइपेरियन और एंडीम्योन तो किसके अंदर आता है हाँ जी बिल्कुल इनकी बिलवड थी ये विच ऑफ दिज पोइम किड्स इंक्लूड्स द कैरेक्टर फोर yes. फोर फोरफेरिया का जो कैरेक्टर है वो इसमें से किस पोइम के अंदर आता है ई वो सेंट सेंट एगेंस लेमिया है हाइपेरियन है एंडीमियन है तो आपको जो है बताना है एग्जाम्पल हाँ जी बोलो तो ये जो है ई द ई वो सेंट एगेंस ई वो सेंट एगेंस जो इनका वर्क है पोइम का कलेक्शन है उसके अंदर जो है पोरफेरिया का जो है कैरेक्टर आया हुआ है बाकी इसके इससे रिलेटेड बात कर सकते हैं हम द ई वो सेंट एगेंस लेकिन इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन है तो इसकी डिटेल अभी नहीं देंगे ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर इज द ओपनिंग लाइन ऑफ विच पोइम ये जो है बड़ा सिंपल सा और बड़ा फेमस जो है क्वेश्चन है कि भाई ऑफ ब्यूटी इज जो एवर इज द ओपनिंग लाइन ये जो है किसकी कौन सी पॉइंट की जो है ये ओपनिंग लाइन है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज फॉर एवर ला बल डेम सेंसमर् एंडीम्योन ऑन ग्रेशियन ऑन ओ टू इंडोलेंस तो जो है ये बताना आपको कि ये जो है किसकी जो है ओपनिंग लाइन है तो सभी का आंसर आ चुका है तो ठीक है एंडीमियोन की जो है ये Opening line है। है। ये बहुत ही बुक्स तो जो एंडीम्योन है एंडीमियोन जो पोईम है आपकी ये जो है इसके कितने इसके अंदर कितनी बुक्स है फाइव है एट है टू है फोर है यानी ये कितने पार्ट में है ये कह सकते हो हाँ जी बिल्कुल ये मोस्टली आज क्वेश्चन है और अब तो ये बहुत कॉमन हो गया है मतलब जो लिटरेचर का स्टूडेंट है सबको इसका आंसर जरूर पता होगा लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछा जाता है इसकी वजह ये है कि इस इस एक लाइन से जो है जो जॉन किड्स है उसकी पूरा थीम नज़र आता है उसका पोइटिक स्टाइल नज़र आ जाता है इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनती है इसलिए ये जो कॉमन हो गई है हर जगह पूछ पूछ के इसको कॉमन कर दिया है लेकिन ये इंपॉर्टेंट आज भी उतनी है तो किड्स की जो पोइम है एंडीम्योन इसके जो है कि इसके अंदर कितनी बुक्स हैं ये बताना आपको तो इसके अंदर का इस फोर बुक्स हैं फोर्थ पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है तो ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट है टू विच मूवमेंट डिड किड्स बिलोंग कौन से मूवमेंट से जो है किड्स बिलोंग करता है तो वो जो है इम्प्रेशनिज्म है मार्क्सिज्म है जूडिज्म है और जो है रोमेंटिसिज्म है तो कौन से पार्ट से जो है सॉरी कौन से मूवमेंट से ये बिलोंग करता है कौन जॉन किड्स तो इससे इजी और क्या क्वेश्चन हो सकता है हमारे लिए बिल्कुल ठीक है रोमांटिसिज्म रोमांटिक पोइट है ये आपके जो नेचर से जुड़े हुए हैं तो इनको रोमांटिक पोइट बोलते हैं और मार्क्सिज्म ये तो बहुत आगे की चीज है ये मॉडर्न इरा की चीजें ये बीच ऑफ दिस ऑफ दिस डिड किड्स राइट एंड ओड टू तो ये कह रहा है कि इनमें से जो है न, नोट आएगा इसमें नोट नहीं है नोट हटा दिया है क्या विच ऑफ दिस डिड किड्स नोट राइट नोट लगाना आपको इसमें एन ओड टू इसमें से कौन सा जो ओड uh, है वो जो है सॉरी 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 ठीक है इनमें से जो है कौन सा जो ओड है वो किट्स ने लिखा है नोट नहीं आएगा ठीक है ये क्वेश्चन ठीक है तो ये कह रहा है स्काई लार्क है मैकपाई है रोबिन है नाइनटीन गेल है तो इनमें से कौन सा है जो uh, जॉन किट्स ने लिखा है हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल स्काई लाक uh, जो है पी वी शैली ने लिखा है तो ये जो है इनका जो लिखा हुआ है वो नाइनडिंग गेल है बड़ा ये भी ओ टू नाइनडिंग गेल बोलते हैं इसको नेक्स्ट uh, है देर आर टू एडिशंस ऑफ ला बेल सेंस मर्सी विद द टाइटल ऑफ द हीरो ऑफ द फर्स्ट वर्जन बींग नाइट एट आर्म्स वट इज द हीरो टाइटल द वर्जन ये कह रहा है कि दो एडिशन है किसके ला बेल डैम सेंस मर्सी के जो है दो एडिशन है विद द टाइटल ऑफ द हीरो ऑफ द फर्स्ट वर्जन तो ये कह रहा है कि जो विद द टाइटल ऑफ द दो जो फर्स्ट वर्जन है उसके जो टाइटल है नाइट एट आर्म्स ये है व्हाट इज़ द हीरोज टाइटल इन द अमेंडेड वर्जन तो जो हीरो का टाइटल क्या है अमेंडेड वर्जन के अंदर ब्रेवसर है फियरसम, वेगा बाउंड है शोल्जर मोस्ट आर्म्ड है और रेस्ट वाइट uh, है ये इसमें से जो है कौन सा है यानी आपको जो है ला बेलडेम सेंस मर्सी के दो हैं तो ये कह रहा है कि एक के अंदर जो फर्स्ट वर्जन है इसके अंदर हीरो का जो टाइटल है नाइट एट आर्म्स है तो सेकंड वर्जन है उसके अंदर क्या है तो चलिए इसका जो है डी रहेगा डी जो है इसका आंसर है नेक्स्ट ले लेते हैं द हीरो ऑफ विच पोइम इज द नाइट एट आर्म्स अलोन एंड पेल्ले टोलरिंग तो ये कह रहा है कि वो कौन सी पोइम है जिसके अंदर जो है जो नाइट एट आर्म्स है अलोन और पैरले टोलरिंग है यानी कि कौन सी पोइम का हीरो है ये मतलब कि ये हीरो जो है कौन सी पोइम में है इसमें से ये कहना चाहता है दोट टू साइकी द गैडी फ्लाई इस ला बेल डैम सेंस मर्सी तो ये आपको बताना है कि इसका जो है आंसर क्या रहेगा अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया बस वही है तो ये जो है डी जो है इसका आंसर है बिल्कुल अभी ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन नीचे थोड़ा सा रिपीट करके थोड़ा सा चेंज करके दे दिया है विच फेलो पोइट रोट एडोनिस एज एन एलिजी एज एन एलिजी टू किड्स तो ये कह रहा है कि एडोनिस जो है एलिजी लिखी है किड्स के बारे में किड्स के ऊपर एडोनिस नाम से जो है कैलेजी है वो किसने लिखी है लॉर्ड बायरन ने वर्डवर्थ ने कोलरिज ने शैले ने तो किसने जो है ये लिखी है तो आप लोगों के आंसर आ गए हैं तो ये जो है शैले ने लिखे बिल्कुल ठीक है ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है इसको नेक्स्ट ले लेते हैं व्हाट वॉज किड्स फादर्स प्रोफेशन जो किड्स के फादर थे उनका प्रोफेशन क्या था इनकीपर थे लेवर स्टेबल अटेंडेंट थे मिलर थे फैक्ट्री वर्कर थे तो क्या थे ये इनके फादर जो है तो वट जो फादर हैं किसके किड्स के उनका प्रोफेशन क्या था किट्स के फादर का प्रोफेशन क्या था तो ये लेवेरी स्टेबल जो है अटेंडेंट थे बिल्कुल ठीक है बी जो है इनका आंसर है नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अब हाउ मैनी सिबलिंग्स डिड किड्स है तो वैसे इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं है तो ये रहा है कि लेकिन फिर भी जो है पूरे क्वेश्चन उठाए हैं इसके इसलिए डाला हाउ मैनी सिबलिंग्स डिड किड्स है तो सिबलिंग कितने हैं किड्स के चार हैं तीन हैं, दो हैं एक है तो एक किस्म से ये कहना चाहता है कि किड्स के समेत कितने हैं ये बताना आपको किड्स समेत कितने हैं तो गाइस किड्स के समेत ये चार हैं आगे है, से जो, है, का जो नहीं है वो बताना आपको ईव तो तो ऑफ सेंट अगेंस्ट द राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर तो इसमें जो है कौन सा वर्क नहीं है ये बताना आपको तो बिल्कुल ठीक है डी है इसका आंसर ये जो है राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर एस्टी कोलर का है नेक्स्ट ले लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉन किड्स पोइट्री इसमें जो है जॉन किड्स की जो पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है यानी उसकी विशेषता नहीं है यूज़ ऑफ रिच इमेजरी एंड सिम्बोलिज्म फोकस ऑन द ब्यूटी ऑफ नेचर इंटरेस्ट इन द रिलेशनशिप बिटवीन आर्ट एंड लाइफ पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड और रोमांटिक सेंसिबिलिटी तो इसमें जो है आपको ये बताना है कि भाई जॉन किड्स की पोइम की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है ट्वेंटी टू का आंसर देना आपको गुड इवनिंग अंजू गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग तो ये है यूज ऑफ रिच इमेजरी एंड सिम्बोलिज्म फोकस ऑन द ब्यूटी ऑफ नेचर तो आपको ये बताना है कि इनकी पोइट्री का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है तो जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ये पैसिमिस्टिक नहीं है गाइस एक बार बेश उदास होते हैं अपनी बीमारी की वजह से या किसी वजह से लेकिन थोड़ी देर बाद ही अपनी पोइम के अंदर ये जो है मतलब कि ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं तो ये पेसिमिस्टिक नहीं है इनकी जो पोइट्री का जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है वो डी आंसर है रोमांटिक सेंसिबिलिटी तो हाई रोमांटिक पीरियड है इंटरेस्ट इन द रिलेशन बिटवीन आर्ट एंड लाइफ ये भी है और इनका नेचर जो है ब्यूटी ऑफ नेचर पे फोकस है ही रिच इमेजरी सिम्बोलिज्म ये सब यूज करते हैं ये तो इसके अंदर जो है लेकिन ये नहीं है कि भाई ये जो है देखो एक तो थोड़ा बहुत तो है लेकिन इनके बारे में ना पैसेमिस्टिक नहीं अर्नोल्ड को जो है पैसे मानते हैं टेनिसन को जो है पैसे एल्फर्ड जो टेनिसन है वो पैसे है लेकिन ये जो है पैसेमिस्टिक नहीं है हालांकि वो विक्टोरियन ईरा के हैं लेकिन जो है प्रॉपर वे से वो है कि बिल्कुल जो है चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं लेकिन ये जो है ख़त्म नहीं करते है, फिर भी होप रखते हैं कि ये सब चलता रहेगा तो होपफुल हैं ये विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स इज फ्रॉम जॉन किड्स ओ टू नाइनटिन गेल इसमें से जो है कौन सी लाइनें जो है जॉन किड्स की ओर टू नाइनटीन गेल से है तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा बेशक आपने ये पढ़ी भी ना हो तब भी शैल आई कंपेयर दी अ समर्स डे वेन आई बी होल्ड अपॉन द नाइट स्टार्स फेस हाउ लाइक ए क्वीन्स इन अ स्टेट द सेज हैज विदर विदर फ्रॉम द लेख एंड नो बर्थ सिंग हेयर वेहर मैन सिट एंड हीर ईच अदर ग्राउंड ही प्रेथ बेस्ट हु लव थ बेस्ट तो ये भाई आपके पास लाइन है एक आध ऐसा क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में भी बनेगा और यहाँ पे भी मैंने दे दिया है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए कि भाई ये लाइनें बताओ लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देख लो तो आप एलिमिनेटिंग वे से थोड़ा सा निकाल जाओगे इसको कि ये जो है नाइनटीन जो है ओर टू नाइनटीन इसमें कौन सी लाइन है इसमें से चलो जी तो इसका जो आंसर रहेगा इसका जो आंसर है वो बी रहेगा बी है वैन आई बी होल्ड अपॉन द नाइट स्टार नाइट स्टार जो है नाइनटीन गेल को ही बोलेंगे ना तो ये जो है और उसको क्वीन की तरह बोला हाउ लाइक अ क्वीन शी सिटी इन स्टेट तो क्वीन जो है क्वीन किसको बोला है नाइन्टीन गेल को रात की जो है ये नाइट स्टार भी है ये लाइक अ क्वीन तो ये क्वीन की तरह है यानी कि पूरा उसी का राज है तो ये जो है बी है इसका आंसर वट इज द स्पीकरूड टू ओड था नाइनटी गेल इन ओड टू ए नाइनटिंग गेल इसके अंदर जो है आपको स्पीकर का एटीट्यूड बताना है जब वो नाइनटिंग गेल का जो है के बारे में उसका क्या जो है एटीट्यूड है इस ओड के अंदर हाँ ये कह सकते हो बिल्कुल हाँ ये कह सकते हो लेकिन ये है हर चीज का दौर होता है निधि धीरे धीरे जो है एनवायरमेंट बहुत कुछ डिसाइड करवा देता है आप ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हो तो यहाँ पे कै बता रहा है आपसे कि वट इज द स्पीकर तो आपको बताना है कि उसके लिए क्या है ही इज एनवियस ऑफ द नाइनटीन गर्ल्स एबिलिटी टू सिंग और ही इज इन डिफरेंट टू द नाइनटी गर्ल्स सॉन्ग ही इज ग्रेटफुल फॉर द नाइनटिन गर्ल्स सॉन्ग ही इज इन डिफरेंट टू द नाइनटी सॉन्ग्स बट ही इज फैसिनेटेड बाई इट्स ब्यूटी ही इज एनवियस ऑफ देंडिंग एबिलिटी टू सिंग बट ही इज ऑल्सो ग्रेटफुल फॉर इट्स सॉन्ग तो आपको बताना है कि भाई जो है कौन सा इसका आंसर रहेगा ट्वेंटी फोर का जो है आपको आंसर बताना है बिल्कुल तो ठीक है आप लोगों का आंसर तो इसका जो आंसर है थोड़ा थोड़ा से आधा उधर गया हुआ गया हुआ आधा इधर गया है तो इसका जो आंसर हम मानेंगे न, वो मानेंगे वो वो ना ई क्योंकि उसको जो ना जेलेसी होती है कि वो इतना अच्छा गाती है उसके पास ये एबिलिटी है लेकिन वो बट ही इज ऑल्सो ग्रेटफुल फॉर इट्स सॉन्ग और ग्रेटफुल भी फील करता है वो ग्रेटफुल इसलिए फील करता है कि वो कहीं ना कहीं सुकून देती है अगर ये नहीं होती तो फिर जो है हम कैसे जो है रिलैक्स पाते तो ये जो है इसका आंसर जो है ई रहेगा इसमें ये है कि वो इंडिफरेंट है इंडिफरेंट नहीं है डी आंसर के अंदर इंडिफरेंट होता तो फैसिनेटेड नहीं हो सकता था यानी ये जो दो बातें हैं ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट्री हैं कि कोई चीज इंडिफरेंट है इंडिफरेंट का मतलब क्या होता है कि आप ध्यान ही ना दो ध्यान ही नहीं देंगे तो आप फैसिनेटेड हो ही नहीं सकते या तो आप पॉजिटिव होंगे किसी चीज के लिए या नेगेटिव होंगे अगर आप ना पॉजिटिव हो रहे हैं ना नेगेटिव हो रहे हैं इसका मतलब आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो इसका मतलब इंडिफरेंट हो तो फैसिनेटेड हो गया तो इंडिफरेंट नहीं है इंडिफरेंट हो गया तो फैसिनेटेड नहीं है तो दोनों टर्म एक दूसरे के ऑपोजिट जा रही है कंट्राडिक्ट्री हैं लेकिन यहाँ पे उसको जेलेसी होती है कि इसको जो है इतनी अच्छी एबिलिटी है इसके पास गाने की और फिर लेकिन बाद में वो ग्रेटफुल भी होता है कि वो उसको पहले तो ऐसा है फील करता है कि मेरे पास या इंसानों के पास नहीं है बाद में वो ग्रेटफुल भी होता है ग्रेटफुल इसलिए होता है कि कम से कम इसका सुन के जो है दुख कम हो जाता है जो हमारी प्रॉब्लम है कुछ देर के लिए ही सही हम भूल जाते हैं इतने फैसिनेट हो जाते हैं उसकी तरफ तो ग्रेटफुल है तो ई इसका आंसर रहेगा वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द अन इन ओड का सिग्निफिकेंस क्या है इस के अंदर जो ओड ग्रेशियन अन है इनके अंदर जो है तो बताइए आप जो है इट रिप्रेजेंट द ब्यूटी ऑफ आर्ट इट रिप्रेजेंट दैसेज ऑफ टाइम इट रिप्रेजेंट द इम्पोसिबिलिटी ऑफ अचीविंग प्रफेक्शन इट रिप्रेजेंट ऑल ऑफ द अबो तो आपको बताना है कि आन का जो है सिग्निफिकेंस क्या दिखाया गया है फटाफट से बताइए चलिए आ गया आपका आंसर ट्वेंटी फिफ्थ का तो इसमें जो है ये जो है गाइस सभी है एक तो ब्यूटी ऑफ आर्ट तो है ही जो चीजें हैं पैसेज ऑफ टाइम यानी इट रिप्रेजेंट द पैसेज ऑफ टाइम और इम्पॉसिबिलिटी ऑफ अचीविंग परफेक्शन तो वहाँ पे जो है ये है कि परफेक्शन उसके अंदर सारी चीज़ें तो ये सिग्निफिकेंस जो हर चीज़ के लिए है तो इसका आंसर जो है डी है यानी ये सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है ऊपर वाला जो भी दे रखा है वो सभी को रिप्रेजेंट करता है वट इज़ द स्पीकर एटीट्यूड टूवर्ड द अर्न इन ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न तो ये कह रहा है कि स्पीकर का जो एटीट्यूड है अर्न uh, के लिए वो क्या है ग्रेशियन अर्न के अंदर तो ये बताना है तो यहाँ पेटेड टू द अर्न ही अर्न ही फॉर द इज ऑल ऑफ द अबो तो भाई ये जो है बताओ क्या आएगा इसका आंसर वट इज द स्पीकर अन इन ओड ऑन ग्रेशियन तो 26 का जो है आंसर देना आपको देखो इसको थोड़ा सा देख लो आप वैसे तो आप लोगों के आंसर आ चुके हैं मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था किसी चीज़ के लिए अगर आप इनडिफरेंट होते हो तो उनके लिए ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं ये कंट्राडिक्ट्री हो जाएगा ना इनडिफरेंट क्या होता है कि भाई आप जो है किसी के लिए जो है कोई भाव ही ना रखो ना जो है जेलेसी का हो ना खुशी का हो ना गम का हो कुछ भी ना हो मतलब कि इनडिफरेंट वो होता है तो ये नहीं हो सकती ये होगा तो ये नहीं हो सकता तो ये ऑल ऑफ द वो तो नहीं आएगा लेकिन वो फैसिनेटेड हो जाता है तो बी इसका आंसर रहेगा ग्रेटफुल जैसी नहीं है वो उसको देख के कहता है मतलब वो फैसिनेटेड इसलिए है कि उसके ऊपर जैसे जो फूल पतियाँ हैं वो ऐसे ही रहेंगी सदा वो पेड़ पौधे जो बने हुए हैं वो सारे सदा ऐसे ही रहेंगे वो कभी जाएंगे नहीं उस पर जो बी और लव्ड लवर है उनका प्यार कभी कम नहीं होगा तो वो उसको लगता है कि इससे ज़्यादा अचीवमेंट और क्या हो सकती है परफेक्शन की तो हाँ एनवीएस भी नहीं था बिल्कुल नहीं था जेलेसी तो हो नहीं सकती ना क्योंकि वो तो एक आर्टिफिशियल चीज़ है वो किसी ने बना रखी है तो उसके ऊपर जो उसको दिखाई देता वो क्या है कि भाई टाइम का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है तो इसलिए जो है इसका आंसर बी रहेगा ग्रेटफुल ऐसा है कि उसने कुछ ऐसा दिया नहीं है तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो बी रहेगा वट इज़ द थीम ऑफ द ई ऑफ द सेंट एगन्स इसका जो थीम बताना अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका जो है थीम बताना है क्या रहेगा पावर ऑफ लव द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रीम्स द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली ऑल ऑफ द अबो तो आपको यह बताना है चलो सरिता अच्छी बात आपने पूरी रीड रखी है तो ये कह रहा हूँ व्हाट इज़ द थीम ऑफ थीम ऑफ द ईव ऑफ सेंट एगेंस द पावर ऑफ लव द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रीम्स द इन एविटिबिलिटी ऑफ डेथ तो इसमें आपको बताना है क्या है <laughs> कोई बात नहीं निधि इसमें बता दो चलो चलिए आप लोगों के आंसर आ गए हैं तो इसका जो आंसर है ऑल ऑफ द अबो आएगा इसमें सारी चीज़ें हैं इसमें क्या है कि पावर ऑफ लव भी है इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रीम है उस लड़की को ड्रीम ही तो आता है तो जो मेडलिन है जो इसकी हीरोइन है उसको ड्रीम ही तो आता है और डेथ की इन एविटिबिलिटी है यानी कि वो जो है टल है वो टल नहीं सकती है और इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली ये सारी चीज़ें हैं तो ये सभी पॉइंट है इसके अंदर ई जो है इसका आंसर है बिल्कुल ठीक है ये चलिए आगे क्वेश्चन पे आ जाते हैं व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द बेड चैम्बर इन द ईव ऑफ सेंट एगन्स तो जो है जो बेड चैम्बर का उसमें सीन है यानी जो बेड चैम्बर दिखाया गया है किसके अंदर सेंट ईव ऑफ सेंट एगन्स के अंदर तो उसका जो है क्या सिग्निफिकेंस है वो क्या चीज़ को शो करता है तो थोड़े ऑप्शन ऊपर कर देती हूँ मैं तो बेड चैम्बर इज ए सिम्बल ऑफ मेडलिंस वर्जिनिटी एंड प्योरिटी इट इज ऑल्सो प्लेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एज इट इज वेहर मेडलिन्रीम्सो प्लेस ऑफ डेंजर स्लीप द बेड चैम्बर इज अम ऑफ द वर्ल्ड एज इट इज कंटेन बोथ ब्यूटी एंड डेंजर लव एंड लॉस ऑल ऑफ द अबो हाँ वो ड्रीम में अपना हसबैंड देखती है फ्यूचर हसबैंड देखती है कि वो ऐसा होगा वैसा होगा उसको दिखाई देता मतलब एक कोई रिचुअल है ये कि अगर वो जो है लड़की इस पर्टिकुलर रात में ऐसा कुछ करती है तो उसको अपना फ्यूचर हस्बैंड दिखाई देगा यही नहीं पड़ी सोनिया ये मैंने जो ना उस पर भी करवा रखी है जब हम पीजीटी की करवाते थे करते थे तैयारी और ये जो है मैंने उन किड्स करवाया था उसमें भी बता रखी है मैंने ये चलो जी तो इसके अंदर जो है क्या दिया आप लोगों ने इसका जो है ऑल ऑफ दभी है इसके अंदर देखो आपने पहला तो आंसर मोस्टली ने आपने लिया ही है पहला तो आंसर लिया ही है और जो है ये इस चीज़ का तो सिंबल है ही फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन का भी सिंबल है वो जो उसके सभी चीज़ों का सिंबल है तो इसके अंदर जो है ट्रांस इट इज़ ऑल्सो प्लेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वो अपनी मदर से मिलती है उसकी मदर की आत्मा होती है वहाँ पे ऐसा कुछ वो भी सिंबल है इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन का है तो जब दो ही हो गए तो दो हो गए तो ऑल ऑफ दबो में तो आना ही है और डेंजर का भी है इट इज मेडलिन फादर बैरन इज स्लीप तो ये सारे ही हैं उसके अंदर एक किस्म से माइक्रोसोम है वर्ल्ड का माइक्रोसोम है वो बेड चैम्बर सारी चीजें उधर ब्यूटी भी है डेंजर भी है सारी चीजें हैं तो ये जो है डी लास्ट रहेगा वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रोज इन द ईव ऑफ द सेंट एगेंस्ट तो रोज का जो है सिग्निफिकेंस क्या है इसके अंदर सेंट ऑफ एगेंस्ट के अंदर इट रिप्रेजेंट द स्पीकर मेडलिन इट रिप्रेजेंट दैसेज ऑफ सॉरी पैसेज ऑफ टाइम इट रिप्रेजेंट द ब्यूटी ऑफ नेचर इट रिप्रेजेंट ऑल ऑफ द अबो तो भाई जो है आपको बताना है इसका जो है क्या जो है सिंबल है क्या सिग्निफिकेंस है हाँ 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 बिल्कुल तो so, ट्वेंटी नाइन का आपको देना है आंसर बोलो जी चलिए ट्वेंटी नाइन का आप लोगों का आंसर आ गया है तो ये जो है ये भी सभी चीज़ों को सिंबल रिप्रेजेंट करता है जो रोज है वो देखो पैसेज ऑफ टाइम का तो है ही ब्यूटी ऑफ नेचर का भी है और रोज जो है सिंबल होता है किसका लव का होता है तो ये सब का ही हो गया डी ही इसका आंसर है आगे है व्हाट इज द स्पीकर फाइनल एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ इन ओ टू नाइनटीन गेल तो आपको बताना है कि जो स्पीकर है व्हाट इज द स्पीकर फाइनल एटीट्यूड फाइनल एटीट्यूड क्या होता है To our life or to an के अंदर तो भाई इसके अंदर जो है उसका लाइफ के लिए जो है फाइनल एटीट्यूड क्या होता है ही इज ऑफ फुल एंड ऑप्टोमिस्टिक इन एविटिबिलिटी ऑफ डेथ ही इज इन डिफरेंट टू द मीनिंग ऑफ लाइफ ही इज ऑल ऑफ द अबो तो क्या रहेगा इसका आंसर थर्टी का जो है आंसर देना आपको ओके okay जी आ चुका आपका आंसर तो थर्टी का जो है बिल्कुल ठीक है आपका ए है ही इज होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक तो होपफुल है कि बेटर ही होगा क्योंकि वो दूर भी चला जाता उसको सुनाई नहीं देती कम कम आवाज भी आ रही है लेकिन फिर भी जो है उसको लगता है कि जो कुछ होगा लाइफ में अच्छा ही होगा तो इस तरह का भी उसके अंदर है मतलब लास्ट में ऐसा जो है ही इज होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक है वट इज द टाइटल ऑफ किड्स अनफिनिश्ड एपिक पोइम अबाउट द टाइटन प्रोमिथ्य तो इसका जो है वट इज द टाइटल ऑफ किड्स अनफिनिश्ड एपिक पोईम वो कौन सी है जो टाइटन अप्रोमिथिस के बारे में है वो इसमें से कौन सी है जो अनफिनिश्ड है वो बतानी है आपको हाइपीरियन है एंडीमियन है लेमिया है ईवो सेंट है तो गाइस, इसका जो आंसर रहेगा इसका जो आंसर रहेगा हाइपीरियन है हाइपीरियन जो है इसका आंसर रहेगा और एंडीमियोन तो कंप्लीट है और सबसे बड़ी है पहली ये कह सकते हो कि बड़ी पोइम में से एक है ये तो बिल्कुल ठीक है ये हाइपीरियन है वट इज़ द नेम ऑफ द यंग वमेन हु इज़ द स्पीकर ऑफ किड्स पोइम तो ये कह रहा है कि यंग वोमेन कौन है किड्स की जो पोइम है हु इज़ द स्पीकर ऑफ किड्स पोइम ओ टू नाइनटीन गेल तो इसके अंदर जो यंग वूमेन है वो कौन है ये बताना आपको तो ये जो है यंग वोमेन कौन है मेडलिन है फैनी ब्राउनी है ला मर्सी है द नाइनटीन गेल है नन ऑफ द अबो है तो आपको भी बताना है कि इसमें से सेलेक्टेड क्वेश्चन है हाँ जी छाटे हैं ये कि अच्छे क्वेश्चन मिले आप लोगों को इसमें कुछ ईजी है स्टार्टिंग के थे मोनिका शायद आप थोड़ा सा लेट आए हो लेट क्लास ज्वाइन किया आपने स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो ना है ना सिंपल है मतलब कि उसका डेट ऑफ बर्थ है डेथ ऑफ टाइम है ऐसे कुछ है तो मतलब सिंपल सिंपल है माँ बाप क्या करता था माँ क्या करती थी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इसमें जो है फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो क्योंकि अब आप बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ रहे हो तो इसमें जो है क्वेश्चन अच्छे हैं यहाँ आके हाँ मिक्स क्वेश्चन है बिल्कुल वो सिंपल से उठाया है जैसे एग्जाम में होता ना लेकिन हमने एक पॉइंट के साथ किया इजी टू टफ चले हैं टफ़ भी नहीं कैसे कि मॉडरेट है हाँ अभी आप आए हो तो आठ बजे की क्लास होती है जो भी लेट आया है वो आठ बजे आइए या फिर आपको जो है थोड़ा सा रिकॉर्डेड में देखना पड़ेगा तो ये जो है इसका आंसर बताना आपको गाइस चलो क्वेश्चन का ले लेते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ द यंग वुमेन देखो नाइनटीन खेल के अंदर जो है यंग वुमेन कौन थी यंग वुमेन कौन थी बताओ ये जो है मेडलिन थी ये थी वो थी एक तो इसमें पॉइंट था और एक नाइनटीन गेल थी दूसरा कौन था भाई ये दो थे और तीसरा कौन था कोई भी नहीं था तो ये इसके अंदर जो है ना डी आएगा इसका आंसर नन इसका आएगा चलिए जी बाद में देख लीजिए देखो क्या होता है हर किसी के अकॉर्डिंग टाइम सेट नहीं हो सकता है और सारी चीज़ें देखनी पड़ती है आपको टाइम नहीं लगता कोई बात नहीं आप बाद में देख लीजिए लेकिन क्लास का जो टाइम है मैंने मैं बता रही हूँ अपनी तरफ से कि आठ बजे है हाँ कोई बात नहीं जैसे आप लोगों को सूट करता है रिकॉर्डेड देखो लाइव में आ जाते हो और अच्छी बात है लाइव में आते हो तो मुझे पता चल जाता है कि भाई ये स्टूडेंट है रिकॉर्डेड में आते हो तो नहीं पता चलता बस यही है <laughs> निधि पूछते ही रहना दिसंबर ही आ जाएगा <laughs> दिसंबर का ही दे दोगे ऐसे तो वट इज द नेम ऑफ द गॉड ऑफ वाइन एंड रेवेलरी वट इज द गॉड ऑफ वाइन इसमें आपको गोड ऑफ बताना है और जो है गॉड ऑफ वाइन रेवेलरी और हुई ग्रेसियन के अंदर जो है ओ टू वन कौन सी है तो बताइए बुश है डायनोस है अपोलो है हर्मस है पेन है इनमें से जो है गोडो ऑफ और रेवेलरी ये जो है आ, कौन सी पोइम है सॉरी ये जो है गोडो ऑफ वाइन इनमें से कौन सा सीधा सीधा आंसर बात ये है <coughs> तो ये है सबके आंसर तो आ गए हैं चलो जी तो ये जो है इसका आंसर है बुश ये जो है इसका यानी ये है गोडो ऑफ मतलब इनके तो वाइन के भी गोड होते हैं बताओ वट इज़ द नेम ऑफ द यंग वूमेन हु इज किडनेप्ड बाई फोर फेरियास इन किट्स पोइम द ईव ऑफ सेंट एगन्स इनमें जो है वो कौन सी यंग uh, वूमेन है जो फोर फेरिया uh, ने उसको किडनैप कर लिया वो है हाँ देखो इनके तो कुछ भी हो सकते हैं भाई जो है बस लेना ही पड़ेगा हमारे तो ये कहते हैं कि शराब मत पियो इनका तो भगवान स्पेशल है तो स्पेशल पीते हैं हाँ ये ठीक है अश्विनी ने, ने बता दिया हमारे यहाँ मतलब तो और कुछ है ठीक है तो मेडलिन हैगाइ इसका आंसर अब ये है आपका लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक हाँ जी लास्ट क्वेश्चन है वट इज़ द नेम ऑफ द स्पीकर ऑफ किड्स पोएम द नाइनटीन गेल तो भाई नाइनटीन गेल के अंदर जो स्पीकर नाइनटीन गेल की जो पोएम है उसके अंदर स्पीकर कौन है नाइनटीन गेल है और जो पोइट है रोमेंटिक है म्यूज़ है इसमें से कोई नहीं है तो ये बताना आपको कि स्पीकर कौन है इसके अंदर ठीक <laughs> है जी पॉइंट है इसके अंदर बिल्कुल ठीक है इसके अंदर जो है हाँ पॉइंट है जो स्पीकर है इसके अंदर मतलब दो ही हैं एक तो जो है हाँ वो नाइटिंगेल है दूसरा पॉइंट है नाइटिंगेल बेचारी गा रही है ये सिंगर है और ये स्पीकर है ये कह लीजिए ये दो ही है तो आपका जो है ये बी जो है इसका आंसर रहेगा तो गाइस ये जो है हमारी क्लास थी आज बता सकते हो कि थर्टी फाइव क्वेश्चन डाले थे आज मैंने पिछली में भी थर्टी फाइव थे और जो है सोनिया ने कहा था कि इसके क्वेश्चन बढ़ा दो पचास कर दो तो मुझे लगा कहीं क्लास जो है ना ज़्यादा लंबी ना हो जाए क्योंकि अब भी जो है पौने घंटे की हो गई है क्लास तो आप मुझे बता सकते हो कि थोड़े ज़्यादा करने हैं क्वेश्चन इसके अंदर या ठीक है कि आपको भी ऐसे बोरियत फील ना हो और क्लास भी हो जाए थैंक यू मोनिका क्यों किरण दुनिया क्यों जड़ी जुडी हो रही है आपने कोई खुशखबरी दी कि नहीं दी अभी टाइम नहीं आया है सोनिया आप तो कह रहे हो एक बार मैं सभी से पूछना चाहती हैं चाह रही थी कि देखो क्या होता है ऐसा तो कुछ नहीं है क्योंकि अब मेरे ख्याल से जो टाइम हो गया है वो 48 हो गए हैं यानी 10 मिनट का डिफरेंस है और कोई ज़्यादा नहीं है 10-12 मिनट का लगा लीजिए अच्छा इसी वीक है तो इसी वीक कुछ ना कुछ देने वाले हो हमें खुश खबरी चलो जी तो आप मुझे सभी बता दो एक बार किरण को तो इस मई इस वीक के बाद हम कॉन्ग्रेचुलेसन बोल देंगे लेकिन आप ये बताइए कि क्लास में जो है क्वेश्चन कितने होने चाहिए पचास क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हो जाएंगे और बिल्कुल बोर हो जाओगे इतनी कैपेसिटी नहीं है मतलब लेकिन ये है कि थोड़े से बढ़ा तो दूंगी पैंतीस कर रही हूँ दो दो बार से लेकिन चालीस या पैंतालीस इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से ठीक नहीं है निधि मैंने जो है ना नेट का स्टार्ट कर दिया है लेकिन जो स्टूडेंट हैं उसके अंदर वो पहले इस पीजीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं नेट का मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ मैंने कहा था कि एक तारीख से इसलिए मैं कह रही थी कि पूछते पूछते रहो और मैं जो है नेट का स्टार्ट कर चुकी हूँ लेकिन जो स्टूडेंट आए हैं वो पहले पीजीटी का देंगे उसके बाद जो है नेट का की प्रिपरेशन करेंगे तो पहले पीजीटी के लेकिन मैं जो क्लास ले रही हूँ जो लाइव क्लास चलती है वो मैंने नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ली है यानी कि मैं उसके अंदर जो है डिटेल ले रही हूँ जो क्लासेज है जो शेक्सपियर चला हुआ तो शेक्सपियर को मैं डिटेल से ले रही हूँ उसके वर्क उसके कैरेक्टर उसके जो है हर वर्क के साथ जो एक्ट है और एक्ट में जो सीन है इंपॉर्टेंट वो सभी ले रही हूँ तो मैं अपनी तरह से जो करवा रही हूँ इस टाइम पे शेक्सपियर को करवा रही हूँ शेक्सपियर की मैंने पाँच छः क्लास दी है यानी जब से मैंने बोला था एक या दो तारीख से तब से मैं चल रही हूँ दो तारीख से आई थिंक एक को तो नहीं ली थी दो तारीख से तो उसमें मैंने शेक्सपियर को इस वे से लिया हुआ है जैसे हम नेट में तैयार करते हैं लेकिन आप जो है पूछ रहे हो कि स्पेशल नेट तो उसको स्पेशल कह लो या नहीं कह लो मेरी तरफ से वो स्पेशल ही चल रहा है लेकिन वो स्टूडेंट पहले जो है जितने भी हैं उसके अंदर वो पहले जो है पी का देंगे और फिर जो है नेट का तो इस मंथ में क्योंकि वो नई पहली बार जुड़े ना इसलिए हाँ निधि नेट में जो है ना मैंने कहा ना कि मैं जो उसको शेक्सपियर को करवा रही हूँ वो इस तरीके से करवा रही शेक्सपियर मैंने शुरू कर रखा है तो आपने जो है पहले भी ज्वाइन कर रखा था आपने उस पहले जो नोट्स वगैरह थे वो टी जी के हिसाब से थे अब जो चल रहे हैं वो मैं अपनी तरफ से करवा रही हूँ नेट के पॉइंट ऑफ तो व्यू से ही करवा रही हूँ डिटेल से उसको ले रही हूँ थोड़ा सा उसमें मतलब कि जैसे एक्ट वाइज़ जो है सीन वाइज जो डायलॉग वगैरह होते हैं वो सब लिया हुआ है तो आप 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 ये देखो क्या करना है क्या नहीं करना है चलो देंगे सरिता बिल्कुल देंगे एक लिटरेचर की दी है एक ग्रामर की दे देंगे बीच में किसी दिन भी एक दिन लेकिन ये है कि वो पहले जो जो भी स्टूडेंट है वो पहले ये देना चाहते हैं पीजीटी का पेपर क्योंकि नाइन्थ और टेंथ को है तो ये इसी मंथ में वो जो है फ्री हो जाएंगे यानी जो भी दिन बचते हैं उसके बाद फिर वो नेट पे ही आएंगे तो जो आपको ठीक लगे फिर देख लेना आप तो आई थिंक क्लास को ऑफ कर देती हूँ और कल मिलते हैं फिर हम आठ बजे ऐसा हरेनू आप कह रहे हो सेकंड पेपर देखो ऐसा तो कोई भी कंफर्म नहीं कर सकता कि भाई मेरा होगा कि नहीं होगा हर चीज़ पॉसिबिलिटी पे चलती है हंड्रेड परसेंट क्या होता है किसी चीज़ की गारंटी तो होती नहीं है गारंटी तो हम अपने आप की कैसे ले सकते किसी कोई कोई भी नहीं ले सकता कि हमें किस किस को देना भाई जो आप क्वालिफाई करेंगे उसमें जिसकी मेरिट चढ़ेगी वो जो मेरिट चढ़ाएगा उस जो मेरिट में आ जाएगा जो स्टूडेंट उसका दो गुना चार गुना बुला लेंगे वो तो आप देखो कौन किस लेवल पे तैयारी कर रहा है तो ये आपकी अपनी मर्जी है अपने लेवल की तैयारी है आप कैसे उसको तैयार कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो आपको पता गाइस तो चलो लेते हैं इसको बढ़ा लेंगे क्वेश्चन को फिफ्टी क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं करी क्योंकि बोर भी जल्दी हो जाते हो लेकिन इसको जो है थोड़ा बढ़ाऊंगी जरूर क्वेश्चन को चलो कोई बात नहीं निधि या तो एस का दे लो पहले फिर बाद में ज्वाइन कर लेना कहाँ आप जा रहे हो कहाँ मैं जा रही हूँ क्योंकि एच का जो है अगर अभी ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी कर सकते हो क्योंकि वो जैसे मैंने कहा ना शेक्सपियर शुरू करवा रखा है शेक्सपियर में मैंने जो है ट्रेजडी करवा दी है सारी कॉमेडी आज से शुरू की है आज तीन एक क्लास में मैं ऐसा नहीं लेती कि हर रोज़ की एक ही चीज़ लूँगी मेरा ऐसा कुछ नहीं होता उसके अंदर मैं जो है इकट्ठी जो जैसे आज की क्लास में मैंने तीन कॉमेडी ले ली तो लंबी क्लास चली लेकिन कोई बात नहीं अब करना है तो करना है उसका क्या इलाज है तो लंबी हो चाहे कैसे भी हो तो उसमें जो है एक्ट वाइज सीन वाइज सब के डायलॉग लिए जो इम्पोर्टेंट मुझे लगते हैं तो बाकी जैसे आपको ठीक लगे अभी ज्वाइन करना अभी कर सकते हो अगर जो है इस पेपर के बाद करना है तो उस पे, इस पेपर के बाद कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगे ना आप मुझसे दूर हो निधि ना मैं आपसे दूर हूँ ओके गाइस तो क्लास को ऑफ कर देते हैं और जैसा रेनू का क्वेश्चन था ये शायद सबका हो सकता है देखो ऐसे तो किसी को नहीं पता होता कि भाई कितने सेलेक्ट होंगे ये आपकी तैयारी पे है कि आप जो है कितना प्रिपेशन इसको कर रहे हो उसके हिसाब से देखिए अच्छा जी तो मिलते हैं फिर कल थैंक यू गाइज एज़ यू इस टाइमिंग है तीन बजे लेती हूँ तीन बजे लेती हूँ निधि क्लास में क्लास को ऑफ चलिए तो फिर मैं जो है ना क्लास को ऑफ कर रही हूँ